भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भाई, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या है? फेम है, नेम है, सब कुछ है। यहाँ तक कि अब तक पवन की जब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक लोग कहते थे कि पवन के जीवन में सिर्फ एक कमी है, वो भी पवन सिंह अगर शादी कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही शादी हुई, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब भाई बच्चे भी हो जाने चाहिए, पवन के आंगन में किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। लेकिन ये क्या, पवन सिंह जब भी किसी बच्चे के साथ होते हैं, मीडिया पर अनचाही बातें उठने लगती हैं। उठने ये लगती हैं कि पवन सिंह को भी अब अपने घर में एक बच्चा चाहिए। पवन सिंह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं, लेकिन पवन सिंह के पास कोई अपनी औलाद नहीं है, और इस बात का गम हमेशा पवन सिंह कहीं ना कहीं छिपाए हुए रहते ही हैं। लेकिन क्या ये सच है? तो चलिए आपको हम बताते हैं भाई, ये सच बिल्कुल नहीं है। हाँ, कौन नहीं चाहेगा पेरेंट्सहुड को एंजॉय करना, लेकिन इस चीज़ का गम अगर पवन सिंह छिपाए हैं तो ये गलत है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने मीडिया में इसे लेकर कभी खुलकर नहीं बोला, लेकिन पवन सिंह हमेशा बच्चों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई और काम भी है और उनके सामने कोई बच्चा है तो वो उसे खिलाए बगैर बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, उसी में से हैं पवन सिंह। वैसे बच्चे किसे पसंद नहीं, बच्चे तो सभी को पसंद आते हैं, और पवन सिंह के मामले में ये कुछ ज़्यादा ही है। पवन सिंह अगर अपने सेट पर भी किसी बच्चे को देखते हैं तो वो अपनी शूटिंग रुकवा कर उसे हाथ मिलाएंगे, उसे बातें करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसे अच्छा फील कराएंगे। कुछ लोगों के नेचर में ये होता है भाई। जब ऐसी फोटोज़ मीडिया में बाहर आती हैं तो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह को बच्चे की चाहत है, जबकि ऐसा लोग सोशल मीडिया में उल जुलूल न्यूज़ बना लेते हैं। और रही बात बच्चे की, तो भाई ये जब होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि कौन सी पवन सिंह और ज्योति सिंह की उम्र निकली जा रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।